हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। दोस्तों, सभी को पता है कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी मतलब कि AWES आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम्स हमारे सामने हैं, और इसी संबंध में ये मेरा इनिशिएटिव है कि मैंने बच्चों को ट्रेन करने के लिए या जो भी अभ्यर्थी उनको ट्रेन करने के लिए एक मैं वीडियो सीरीज़ यहाँ पर ला रहा हूँ आप सबके लिए। तो बताइए, आज से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। पूरा आपको फुल गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं बताऊँगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और आप कैसे इसको क्रैक कर पाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट सारे सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज ये पहला वीडियो है, आप लोग का सपोर्ट मुझे बताएगा कि मुझे कैसे अपनी इस जर्नी को आगे ले करके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले आपका आना है कंप्रिहेंसन। तो 9 क्वेश्चंस आपके रहेंगे अनसीन पैसेज से, कंप्रिहेंसन से, जिसमें आपको एक बहुत लाजवाब वाली अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की आपकी होनी चाहिए, बहुत टॉप क्लास कंप्रिहेंसन के साथ आप जो है इस जो ये जो पैसेज आते हैं उनको कर पाएंगे। ओके, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो आज पहले मैं, क्योंकि ये मेरा डेमो वीडियो है, तो मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, केवल ये मैंने एज ए ट्रायल बना रहा हूँ कि आप लोग का रिस्पांस क्या है, आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं 101% इस जर्नी को आगे रखूँगा। तो मैं कंप्रिहेंसन पैसेजेस पे अभी नहीं जा रहा हूँ, अनसीन पैसेज पे नहीं जा रहा हूँ। हम कुछ ईजी क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, आइए सिंपल टाइप के, क्योंकि कंप्रिहेंसन के लिए मुझे पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा एंड बैक टू बैक 9 क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आएंगे, तो वो अपन नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो रैंडमली क्वेश्चंस लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, बट ये है चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला, द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन इज इम्पॉर्टेंट टू। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब शुरुआती जो पहचान होती है स्पेशल चिल्ड्रन की, वो ज़रूरी होती है। क्यों होती है? फर्स्ट, टू परस्यू देम टू अटेंड स्पेशल स्कूल, हेल्प देम टू कोप विद स्पेशल स्टेटस, प्रिवेंट सेकेंडरी डिसेबिलिटीज एंड डिस्करेज देयर सेल्फ एफर्ट टू बी ए पाथ विद नॉर्मल चिल्ड्रन। ओ भाई, देखिए जी क्या कह रहा है, शुरुआती रूप से बच्चों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनको स्पेशल चिल्ड्रन को, विशिष्ट बच्चे, मतलब जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। क्यों आइडेंटिफाई किया जाता है? पहला ऑप्शन है परस्यूड देम टू अटेंड स्पेशल स्कूल। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको स्पेशल स्कूल में जाना है, इसके लिए उसकी तैयारी करने के लिए उनको हम परस्यूड करा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है हेल्प देम टू कोप विद देयर स्पेशल स्टेटस। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों के मन में यही रहती है कि उनके ऊपर एक टैग लग जाता है कि तुम विशिष्ट बच्चे हो। ओके, स्पेशल चिल्ड्रन, तो उनको इस जो टैग की समस्या है, जो विशिष्ट बच्चों से, उसको बाहर निकालने के लिए उसको पहली चीज यहाँ पे यही ऑप्शन है आंसर, हेल्प देम टू कोप विद देयर स्पेशल स्टेटस। इसीलिए उनको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें कोई स्पेशल स्टेटस ना मिल जाए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर यही है, हेल्प देम टू कोप विद देयर स्पेशल स्टेटस। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिस से आता है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए तभी आपका मन जो होता है साइकोलॉजी के लिए ट्रेन होता है। ऐसा लगता है देखने में कि चारों ऑप्शन एकदम सही है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज ए ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर इन इट, द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज द पार्ट विद द एरर। ओके, टू बी ए किंग एंड वियर अ क्राउन, मोर ग्रामरस टू सी देन टू अ बियर। ओके, तो बताइए जी कौन सा पार्ट इसमें मिस्टेक है, टू बी ए किंग एंड वियर अ क्राउन, मोर ग्लैमरस सी देन टू बियर। तो ये जो है एक क्या है, एक ये कहना चाहिए यहाँ पे एक प्रोवर्ब है, यस, टू बी ए किंग वियर अ क्राउन, मोर ग्लैमरस टू सी देन टू बियर। चलिए बताइए कौन सा पार्ट मिस्टेक है इसमें,
अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी टफ क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इसमें मिस्टेक वाला है। ओके, तो वियर अ क्राउन, यस, वियर अ क्राउन वाला पार्ट गलत है। ओके, क्यों क्यों गलत है भाई? वियर अ क्राउन की जगह यहां पे वियर द क्राउन आना चाहिए। टू बी ए किंग एंड वियर द क्राउन आर मोर ग्लैमरस टू सी देन टू वियर, ठीक है ना? द क्राउन, क्योंकि ताज की बात हो रही है, स्पेसिफाइड है, तो वियर द क्राउन होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है। द बोस्टन टी पार्टी वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, हाँ जहाँ तक मुझे याद है प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनी थी बोस्टन की चाय पार्टी। तो ये जो प्रोटेस्ट था ये किसके खिलाफ किया गया था, सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोटेस्ट था ये किसके खिलाफ किया गया था। ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज ऑन टी, टैक्स पेबल बाई स्लैव ओनर्स इन बोस्टन्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज ऑन टी एंड टैक्सेशन इम्पोज बाई द ब्रिटिश। हाँ तो क्या इसका आंसर है भाई? टैक्सेशन इम्पोज बाई द ब्रिटिश, करेक्ट आंसर इज डी। इसका सही आंसर है टैक्सेशन इम्पोज बाई द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश ने जो थोपे थे टैक्स उसके विरोध में ये बोस्टन की चाय पार्टी हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाँ कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आने, 10 से लेके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आने हैं, 10 से लेके 15 15 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस, बल्कि 20 क्वेश्चन जो हैं आपको वो जनरल साइंस से मिलेंगे। ईमेल इज नॉट अ वे टू ट्रांसमिट डेटा, सिक्योर वे, प्रैक्टिकल वे, फास्ट वे, लीगल वे। भाई ईमेल जो है वो लीगल तो है, फास्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो कौन सा वे नहीं हुआ? सिक्योर नहीं हुआ। करेक्ट आंसर है कि ईमेल इज़ नॉट द सिक्योर वे, क्योंकि ईमेल अगर सिक्योर होते तो हैक नहीं होते, बट ईमेल मेल अकाउंट हैक होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिक्योर नहीं होते हैं। ओके, रॉबर्ट एंड तानिया आर मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट एंड तानिया आर मैरिड एंड लिव विथ 3 children। इस फैमिली को क्या बोलेंगे? ए न्यूक्लियर फैमिली, ए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एन एक्सटेंडेड फैमिली, ए कम्यूनल फैमिली। लियो भाई कम्यूनल कहाँ से होगा भाई, तो कम्यूनल तो है ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए न्यूक्लियर फैमिली होना चाहिए। लेट्स चेक, यस ए न्यूक्लियर फैमिली इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिस्कसिंग प्रिंटर्स इमेज क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज एज दिस, प्रिंटर के बारे में बात करते हैं तो इमेज क्वालिटी के संदर्भ में क्या सही है? PPM, आउटपुट, कलर पैटर्न, रेजोल्यूशन, सभी बच्चों से बन जाएगा ये। करेक्ट आंसर इज रेजोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली रेजोल्यूशन। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, ओके टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पुराना हिसाब किताब बराब करना, रन अवे, क्लियर डेब्ट, टेक रिवेंज, मगर पुराना हिसाब किताब वसूल करना, स्कोर्ड वेल, किस सेंस में है टेक रिवेंज? मतलब कि बदला निकालना, टेक रिवेंज मतलब बदला निकालना। करेक्ट आंसर इज टेक रिवेंज होना चाहिए, यस एग्जैक्टली टेक रिवेंज। ओके, अगला क्वेश्चन है 20% ऑफ अनुज एनुअल सैलरी इज इक्वल टू 75% ऑफ राज एनुअल सैलरी, इफ राज एनुअल सैलरी इज 60% ऑफ रवीज मंथली सैलरी, इफ रवीज एनुअल सैलरी इज 1.4 रुपीज़ 1.45 लाख, वॉट इज अनुज मंथली सैलरी। ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड वाली मैथ्स आई हुई है, तो इसको सॉल्व कीजिए, है ना? इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 27,000। आज ये डेमो वीडियो है, अगली क्लास में मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा। चलिए तो ये 4-5 क्वेश्चन का ही डेमो वीडियो है, आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस टाइप की मैं सीरीज़ और भी आपके सामने लेकर के आऊँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।